हेलो फ्रेंड, मैं इग्नेस कुमार के डिजिटल ट्रैक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एक स्टूडेंट के लिए और जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप खर्च कैसे मैनेज कर सकते हैं खुद से। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हमारा सैलरी जाता है या फिर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम घर से रुपया मंगाते हैं, होता क्या है, हम 15 से 20 दिन तो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, बाकी के 10 दिन हम बिल्कुल ऐसे गरीबे वाले ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इससे खर्च कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पे एक्सपेंस मैनेजर सर्च कर देना है। दोस्तों, इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि हमारा डाटा लीक करता है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ है, तो आप इसी को आप डाउनलोड कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं इसी वीडियो को डाउनलोड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हूँ कि ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इसे करना क्या है, आपको सिंपल सा इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कुछ करके रखा हूँ, तो आपको दोस्त करना कि आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। जैसे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करोगे, अगर आप इस महीने का अगर आपका इनकम आता है, मान लीजिए इस महीने का हमारा इनकम 15,000 रुपया आ गया, 15 से 20,000 रुपया अगर हमारा आ जाता है, तो हम किस कंपनी से आया है ये भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा ECS से आया था दोस्तों, यहाँ पर हम अपना जो ECS में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ECS का यहाँ पर हमने डाल दिया। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे सैलरी आया या फिर किस में आप खर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पे अच्छे से डाल सकते हैं दोस्त। ठीक है, जस्ट सॉरी, यहाँ पे हम इनकम, हमारे यहाँ पे ध्यान रखना एक्सपेंस जो हमारा खर्च होता है, इनकम जो हमारा इनकम आता है, तो हमारा आया क्या, यहाँ पे सैलरी आया, तो यहाँ पर हम सैलरी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए। और हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन मोड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, तो हमारा अगर फर्स्ट में चेक मिलता है, यहाँ पे चेक दे सकते हो, जिस माध्यम से आपका ट्रांसफ़र होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका क्लियर हो चुका है, कोई रुपये नहीं है, तो आप यहाँ पे जमा कर सकते हो, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर भी डाल सकते हो, और यहाँ पे अगर आपके पास कोई फ़ोटो हो तो यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड आप यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद तो आप समझ लें 15,000 रुपया हम इसे ओके कर देते हैं। 15,000 रुपया हमारा आ गया तनख्वाह, इससे पहले मैंने 15,000 ऐड कर चुका था, तो मैं इसे अभी फ़िलहाल में डिलीट कर देता हूँ कि ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम इसे भी डिलीट कर देते हैं जो कि हम यहाँ पे अभी खर्च किए थे। तो दोस्तों, मान लेते हमारा ये इनकम आ गया 15 के 15,000, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा 15,000 रुपया ऐड हो चुका है। फिर से हमें अगर बैक जाना है, आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। अगर हमारा एक्सपेंस हो रहा है, जैसे कि हमारा 2,000 रूम रेंट है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं रूम रेंट, राइट ना, रूम रेंट यहाँ पर हो गया हमारा। किस माध्यम से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप खुद से, जैसे अदर आ गया, यहाँ पे रूम रेंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, आप रूम रेंट खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे यही अदर वाले पे क्लिक करना है दोस्त। आपके यहाँ पे रूम रेंट आ चुका है, तो अब रूम रेंट पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा रूम रेंट आ चुका है, तो हम किस माध्यम से उसको ट्रांजेक्शन किए ये भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर से हम ओके कर देते हैं दोस्तों। ऐसे करके आपको यहाँ पे एक महीने का पूरा शो करेगा और यहाँ पे ग्राफ में भी आपको दिखाएगा कि आप कैसे, यानी कि आपको कितना खर्च हुआ है और कितना यहाँ पे आपको यही करना कि एक बार यहाँ पे पैसा डाल देना, जितना आप खर्च कर रहे हो यहाँ पे, जितना आप यहाँ पे खर्च करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा डिडक्ट होता जाएगा, यानी घटता जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपके अकाउंट में कितने रुपये बचे हुए हैं या फिर आपके पास कैश कितना है, भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल था, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कैसा लगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को